Hello everyone, in this video we will see a concept through question. मतलब मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ उसके थ्रू कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा. तो आप वन बाई वन करके इसमें जो क्या आप लर्न कर सकते हैं वो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है डिस्कशन. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. ये जो क्वेश्चन है 1997 का है, नीट का. एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आर, ओके 144 किलोमीटर पर आर इन 20 सेकेंड, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ. आपको क्या फाइंड आउट करना है कि एक कार है वो स्टार्ट होती कहाँ से, इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, एंड उसकी जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 140 किलोमीटर पर आर, एंड हाउ मच टेक इट विल टाइम 20 सेकेंड, एंड जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई. ठीक है, तो देखो अगर देखो स्टूडेंट क्या सोचता है, सर उसके दिमाग में क्या आकर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसके माइंड में क्या आएगा कि सर हमको पता होता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. हमको ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, राइट. तो स्पीड आपको कितना गिवन है, स्पीड अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट कैसे सोचता है कि स्पीड आपको गिवन है 144, ओके 144 किलोमीटर पर आ रही. तो सर मैंने इसको चेंज कर दिया, किस में इसको चेंज किया, तो 144 मल्टीप्लाई 5/18, तो 8 जा 5 जा, तो आप बोलेंगे सर जो स्पीड है ना इन मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड आए. ठीक है, अगर सर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर सर कैसा आएगा, तो सर हमको ये फॉर्मूला पता है, मेरे को स्पीड पता है, टाइम पता है, तो अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप वी कैन राइट हियर इज लाइक दिस, टाइम इनटू स्पीड. टाइम ऑलरेडी कितना है 20 और स्पीड कितना है 40, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा सर 800 मीटर. ठीक है, मान लो स्टूडेंट वन ऐसा सोचता है, कोई स्टूडेंट है वन वो ऐसा सोचता है ना, और उसने ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्यूशन कर दिया, उसको डिस्टेंस उसने रीड कर दिया, टाइम कितना के बिना ऐसे टिक कर दिया. एक्चुअली जो किया है ना, ये जो उसने किया है वो पूरा का पूरा अगर वो ऐसा सोचता है एकदम रॉन्ग है. कैसा है, रॉन्ग है सर. हाउ एक्चुअली क्या है, ये क्या गिवन है आपको, रेस्ट. तो अभी क्या करो, वीडियो को आप कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करो और अपने एक बार सॉल्यूशन करने का ट्राई करो. तो ये अगर ऐसे मतलब उसने सोचा तो ये थोड़ा रॉन्ग सोचता है. अब देखो मैं इस या जो अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट है वो कैसे सोचता है कि रेस्ट, रेस्ट का मीनिंग इन फिजिक्स में क्या होता है कि सर यू इक्वल टू क्या लेना आपको, यू इक्वल टू क्या लेना आपको, जीरो. क्या लेना है, यूज इक्वल टू जीरो लेना है. ठीक है सर, हमने यूज इक्वल टू जीरो ले लिया. उसके बाद क्या करना कि हमारे पास ना एक इक्वेशंस होती है, कौन सी है ना, काइनेमेटिक्स इक्वेशन होती है. कौन सी होती है सर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दैट मीन्स यू ऑलरेडी दिया है, तो वी इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करते, यू तो जीरो है, ओके ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू कितना है 20, राइट. और वी की वैल्यू हमको कितना गिवन है 40, तो हम क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं सर 40. तो अगर वहाँ से, यहाँ से 20 बन जा 2 जा, तो आप बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, तो एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन और होती है, कौन सी, वेरी फेमस इक्वेशन रहती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियली क्या है टी जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो. तो एस इजिकल टू मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं हाफ इंटू ए की वैल्यू कितना है सर, हेयर इज टू इंटू टी का स्क्वायर. टी का स्क्वायर मतलब टाइम आपको कितना है 20 सेकेंड, 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400, इससे ये कैंसिल हो गया. तो आप क्या बोलेंगे, जो डिस्टेंस था वो कितना आपके पास 400 मीटर. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर था 400 था, ना कि 800. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गो विद कितने जाते 800, तो एक्चुअली ये वाला रॉन्ग है और इसका करेक्ट आंसर क्या है ये, और ये 1997 का क्वेश्चन है नहीं. तो आई थिंक आपने ये जो कंसेप्ट देखा होगा इन्जॉय किया होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल था. अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, दिस क्वेश्चन केम इन 2009. ये कहता है ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट करना है अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट
डिस्टेंस कवर्ड किया फर्स्ट 10 सेकंड में वो कितना है सर S1, और जो फर्स्ट 20 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, ओके, फर्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो है S1 और फर्स्ट 20 सेकंड में बताना है। तो स्टूडेंट सर क्या सोचते हैं कि सर 10 सेकंड में S1 तो नेक्स्ट 20 सेकंड में क्या होगा सर डबल, ऐसे ही सोचते ना मोस्टली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर 10 सेकंड में कितना है, 10 सेकंड में S1 तो 20 सेकंड में कितना होना चाहिए सर इसका डबल, अरे ऐसे ही सोचते ना, बस यही नहीं सोचना आप, है ना। तो अगर किसी ने स्टूडेंट ने ऐसा सोचा S2 इक्वल टू, तो एकदम क्राइम बोलते इसको, क्या बोलते क्राइम बोलते, अगर आप ऐसा सोच रहे तो आपका ये नहीं है। एक्चुअली क्या ये क्वेश्चन अगर आप ठीक से रीड करेंगे, अगर ठीक से रीड करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वर्ड लिखा रेस्ट, ये क्या लिखा वर्ड लिखा रेस्ट, ठीक है सर, रेस्ट लिखा है तो सर इसमें हम क्या सोच सकते हैं, जब भी आपको फिजिक्स के केस में रेस्ट गिवन है तो आइज क्लोज करके आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले सकते हैं, दैट मीन्स आप यू इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं सर जीरो, और आपको टाइम ऑलरेडी गिवन है, टाइम कितना गिवन है सर फर्स्ट जो टाइम गिवन है वो है 10 सेकंड और टी टू कितना गिवन है आपको 20 सेकंड, ठीक है टी टू कितना गिवन है 20 सेकंड गिवन है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है एस टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस टू इन टर्म्स ऑफ एस वन। तो आपके पास ना एक इक्वेशन होती है कौन सी सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं, ओके फर्स्ट के लिए लिखूं तो सपोज ये टी वन इक्वेशन नंबर मैं इसको बन ज्यूम कर रहा हूँ, ये तो जीरो हो गया सर। अगर सिमिलरली मैं एस टू के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा सर यू टी टू प्लस हाफ इन टू ए टी टू इक्वायर इक्वेशन नंबर टू, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर वन को टू से डिवाइड कर दूं, मैं इक्वेशन नंबर को वन से टू से डिवाइड करूं, तो देखो व्हाट विल हैपन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर एस वन अपॉन एस टू क्या दिखेगा सर आपको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर, टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर देखेगा, ओके एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन, तो टी वन की वैल्यू आपके पास 10 और टी टू की वैल्यू कितनी 20, और इसका कर दो आप स्क्वायर, जीरो से जीरो कैंसिल, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो आप क्या ले सकते हैं सर एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू व्हाट 1/4, और वी कैन से एस टू इज नथिंग बट वॉट 4S1। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, तो आई थिंक आई होप यू इंजॉय दिस क्वेश्चन। तो अभी क्या करो आप सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो, ओके ये क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये आपको दिख रहा होगा, तो एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार आंसर करने का ट्राई करो, देन आई विल डिस्कस, ठीक है मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि ए कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, जब उस पर ब्रेक लगाया गया, जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था तो 2 मीटर जाने के बाद वो स्टॉप हो गई, बट अगर उसी सेम कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो वो कितनी डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो जाएगी, ओके दिस इज द मेन क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, एक कार है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जब 40 किलोमीटर पर आवर थी तो ब्रेक लगाने पर 2 मीटर पर जाके स्टॉप होती है, बट अगर उसी सेम कार की स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द, कितनी डिस्टेंस पे जाके वो रुकेगी, ठीक है। तो सॉल्व मैं करता हूँ एक बार, दैट मीन्स क्या हुआ कि इन दिस वीडियो की अगर कोई भी कार आप ब्रेक लगाते हैं ना तो स्टॉप होती है, तो उसमें दो टाइप की वेलोसिटी रहती है, एक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है सर, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है कितनी होती है जीरो, आई थिंक आपको पॉइंट समझ आया होगी, ब्रेक लगाने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि आफ्टर ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। तो हमको एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन पता है सर कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर 2s। तो हम अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये तो जीरो हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 into s, ओके ये क्या बिकॉज कार क्या हो गई स्टॉप, कार क्या होगी सर
स्टॉप्ड हो गई, इसलिए वी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो मैं ये कंक्लूजन यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। और हमको ये भी पता है कि अगर हम किसी भी कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है सर, जो भी उसकी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस होती है मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या होता है आपको दिख भी रहा होगा ना, अगर आप इसको मैं इधर भेज दूँ है ना, इसको इधर भेज दूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि s इज इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो आप क्या बोलेंगे, इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली है। तो अब सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, और ये मैं सपोज फर्स्ट के लिए मान रहा हूँ। एस सिमिलरली एस टू के लिए आप लिख सकते हैं क्या सर, यू टू का स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, अगर यह टू को वन से डिवाइड कर देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई टू इक्वेशन नंबर वन, तो क्या सर मेरे को देखने को मिलेगा, मेरे को देखने को मिलेगा कि एस टू अपॉन एस वन इजिकल टू यू टू अपॉन यू वन का होल स्क्वायर। तो एस वन एस टू मेरे को फाइंड आउट करना है सर, एस टू क्या करना मेरे को फाइंड आउट करना, एस वन की वैल्यू कितना गिवन है सर, अगर आप देखेंगे एस वन की वैल्यू गिवन है तो आप देखेंगे ये गिवन है सर 2 मीटर, तो आपने एस वन की वैल्यू रखी 2 मीटर। ओके, यू टू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, अगर आप यू टू देखेंगे मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड टाइम 80, यू वन की वैल्यू कितना गिवन है आपको 40, तो क्या आप लिखेंगे सर 80 डिवाइडेड बाई 40 का होल स्क्वायर, जीरो से जीरो कैंसिल और टू जा, तो आप क्या लिखेंगे एस टू अपॉन टू इजिकल टू वॉट 4, क्योंकि टू 42 जा 80 और 2 का स्क्वायर 4, तो आप कह लेंगे सर एस टू इजिकल टू कितना हो गया 8s1। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, एस टू अपॉन टू इजिकल टू कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा कितना हो 8s1। अब तो ये तो क्वेश्चन हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, जो भी अगर आप सर उसकी स्पीड को है ना, पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी 40, तो ब्रेकिंग या जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था वो था सर 2 मीटर, बट अगर सर आप उसकी स्पीड को डबल कर दिया, आपने 80 कर दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते, किसी स्टूडेंट क्या सोचता है सर स्पीड उसकी 40 थी तो 2 मीटर पर रुका, हमने स्पीड 80 कर दिया तो 4 पर रुकना चाहिए, अगर आप ऐसा कोई भी सोच रहा है स्टूडेंट तो एकदम क्राइम है, ये क्राइम समझे क्या, क्राइम है, ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं आपको। तो अगर स्पीड देखो 40 थी तो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 था, लेकिन अभी आपने देखा जब स्पीड उसकी डबल कर दी मतलब 80 हुई, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है सर कितना आएगा आंसर 8। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि 8 कैसा आ गया सर, है ना, 8 कैसा आ गया, डबल नहीं करना आपको, क्या करना है डबल नहीं करना है ना, मोस्टली स्टूडेंट के अंदर से फीलिंग बोलता है कि नहीं सर ये डबल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन दिस, दिस क्वेश्चन केम इन 1997। क्वेश्चन क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, आपको उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको 2 times डिफरेंशिएशन करना होता है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का 1 time अगर आपने मतलब उसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी अगर आपने क्या कर दिया एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, देन दिस इज द आंसर। तो अगर मैं देखो एस इजिकल टू क्या गिवन है ना, एस इजिकल टू आपको गिवन है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। अगर मैं इसका वेलोसिटी मेरे को फाइंड आउट करना तो डी एस अपॉन डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन करेंगे तो होगा 280 माइनस 3bt स्क्वायर। दिस इज वॉट, दिस इज द वेलोसिटी एंड आई वॉन्ट द कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो वंस अगेन डिफरेंशिएट दें तो ए इजिकल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2a माइनस 6bt। तो आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन 280 का 2a और 3 2 6, तो मेरे को कैलकुलेट किस पर करना। अब ये ना ये तो सर आ गया, इतना तो कोई भी स्टूडेंट करेगा, बट ये ना ऐसा कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, अगर आप देखेंगे सर ऐसा है बट ऑप्शन तो इसके आसपास भी नहीं, कैसा भी देखेगा। तो आपको क्या पूछा, एट एनी गिवन टाइम टी है ना, अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो इसमें नहीं है, उसने पूछा एट गिवन टाइम टी, दैट मीन्स आपको क्या करना 2a माइनस 6bt, जीरो के इक्वल पट कर दिया मैंने, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर आप, टी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या 2a अपॉन 6b, हाँ सर लिख सकते, 2 1 जा 3 जा, तो आप क्या बोलेंगे
ए अपॉन व्हाट, 3। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आएगा, हमको फाइंड आउट क्या कर रहा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी। तो इसमें देखो अगर आप ऑप्शन करेंगे तो कौन सा आएगा सर, बी, हेंस बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक, आई होप आपने ये दोनों क्वेश्चन से कुछ